शाहकोट उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रतन सिंह कक्कड़ ने अपना नामांकन पत्र भरा। रतन सिंह ने आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं व पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित एसडीएम कार्यालय में पहुंचे और अपना नामांकन भरा। इस दौरान जहां उनके साथ पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल सिंह खेरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोग अकाली दल और कांग्रेस से तंग आ चुके हैं। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज। अज साडी आम आदमी पार्टी के जिहड़े कैंडीडेट ने रतन सिंह जी शाहकोट बाय इलेक्शन लई अपने नॉमीनेशन पेपर्स फाइल करन आए ने। साडी पार्टी की समुची लीडरशिप जिहड़े साडे नवें प्रेजिडेंट बने ने, को प्रेजिडेंट बलबीर सिंह जी, डॉक्टर प्रोफेसर साधु सिंह जी खड़े ने मेरे नाल, MLAs आए ने, नाजर सिंह जी ने, मास्टर बलदेव सिंह जी ने, मनजीत सिंह बिलासपुर आ, सरबजीत कौर माणुके आ, अते होर पार्टी के दर्जा बदर्जा बहुत सारे ऑफिस बेयरर्स ने। सो साडा अज मकसद है कि SDM ऑफिस के बाहर असीं खड़े हाँ क्योंकि सिर्फ 5 व्यक्ति अंदर जा सकते हैं, इलेक्शन कोड उस अंदर जाने की मनाही है, तो असी सिर्फ 5 आदमी जाके उन्होंने इलेक्शन नॉमीनेशन पेपर्स फाइल करावे और सबसिक्वेंटली फिर आने वाले दिनों आफ्टर दिस प्रोसैस जरा जरा पेपर्स की जी पड़ताल या विड्रॉल है, उस तो बाद जो भी साडा पिंडां दे विच पार्टी प्रोग्राम उलीकेगी, बहुत सारे सारी पंजाब चो साडी पार्टी के लोग जिहड़े ने ओह आण के शाहकोट विच कैंपेन करनगे। और मैनूं उम्मीद है कि लोग जिहड़े रवायती पार्टियां चाहे कांग्रेस है चाहे अकाली दल च बहुत बुरी तरह नाल दुखी भी ने, उन्होंने देख चुके ने, और खास तौर पर अमरिंदर सिंह दा तेरा 12-13-14 महीने का राज है, इन्हें तो अकालियां दे सारे रिकॉर्ड तोड़ते, तानाशाही रिकॉर्ड तोड़ते, करप्शन तोड़ते, गैर कानूनी माइनिंग ही नहीं रुक रही, और जिहड़ा कांग्रेस ने उम्मीदवार दिता हरदेव सिंह लाडी उहदे ते बेतहाशा इल्जाम ने, FIR दर्ज होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों, स्टिंग वो खिलाफ आ चुका वा। जिहड़ी कांग्रेस कहिंदी सी असीं जीरो टॉलरेंस टू करप्शन करांगे, वो 100% करप्ट बंदे नूं टिकट दे के उन्होंने अपना जिहड़ा जो उन्हां दा मंतव है पॉलिटिक्स विच उहनूं जग जाहिर कर दिता वा। और जो अमरिंदर सिंह ने जिस ढंग दे नाल पुलिस ऑफिसर जिसने FIR दर्ज की उन्हूं डराया, उहदे करैक्टर ते इल्जाम लाए, ये सारिया गल्लां जिहड़ियां ने कल असीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ध्यान च लिया। मैनूं पूर्ण आस है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंटरफेयर ओपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स के सारे के फोन टैप किए जा रहे हैं, बहुत कुछ अनकॉन्सटीट्यूशनल अमरिंदर सिंह के राज भाग हो रहा। एंड मैनूं आस है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलैक्टोरल ऑफिसर को बहुत स्ट्रिक्टली ये इंटरवीन करना पैना, वरना अज पंजाब जंगल का राज तानाशाह पुलिस स्टेट बनती जा रही है। इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने वास्ते इतने जिहड़ियां 5 मंगां मैं कल रखियां सीगियां उहदा होना बहुत लाजमी।